नमस्कार, मैं योगेश राणा। इन दिनों उत्तराखंड में यह चर्चा बहुत तेजी से हो रही है कि उत्तराखंड बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की दिल्ली से तस्वीरें आ रही है और ये तस्वीरें कुछ कह रही है। इन तस्वीरों के कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। आइए बात कुछ तस्वीरों से ही शुरू करते हैं, फिर देखते हैं उत्तराखंड बीजेपी में चल क्या रहा है। आप तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली और दूसरी तस्वीर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली गए और वह गृह मंत्री अमित शाह से मिले। तीसरी तस्वीर आई है देहरादून से, डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। क्या इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है जिनको मंत्रिमंडल से बाहर होने का खतरा है वो दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं, और जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चाह है वो देहरादून में सीएम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। वैसे उत्तराखंड वापसी पर मंत्रियों ने मुलाकात के जो कारण गिनाए हैं, जो दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है, वे कारण बहुत कुछ खास नहीं है। बताया यह गया है अपने अपने विभागों के कुछ कामकाज और कुछ प्रस्ताव लेकर ये लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले हैं। मंत्रियों की इस बात पर भी एक सवाल बनता है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाते ही रहते हैं, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते ही रहते हैं, वे ये प्रस्ताव और विभागों की अपडेट देते ही होंगे, फिर इन मंत्रियों को अलग से जाने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? इन मंत्रियों को वहां बुलाया गया है या खुद ही चले गए हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति से गए हैं, उनको बता के गए हैं या बगैर बताए चले गए हैं? आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। इस वक्त एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। उत्तराखंड सरकार में नियमित 11 मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस समय 7 है, यानी 4 पद खाली है। इन 7 पदों में गढ़वाल से 5 मंत्री है, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल। और अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं से केवल 2 ही कैबिनेट मंत्री है, रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा। वैसे तो मुख्यमंत्री खुद कुमाऊं से आते हैं, लेकिन अगर आप जिला स्तर पर देखेंगे तो अभी गढ़वाल मंडल से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जिले का प्रतिनिधित्व धामी की कैबिनेट में नहीं है, जबकि पौड़ी जिले से सतपाल महाराज और धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री है, यानी एक ही जिले से 2 कैबिनेट मंत्री है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी पौड़ी जिले से कहीं प्रतिनिधित्व करती है, यानी पौड़ी जिले के पास 3 पावरफुल पद है। गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक ही जिले से 2 मंत्री है देहरादून से। कुमाऊं की बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिले का प्रतिनिधित्व मौजूदा धामी कैबिनेट में नहीं है। सौरभ बहुगुणा उधम सिंह नगर जिले से आते हैं और रेखा आर्य अल्मोड़ा जिले से आती है। इसी तरह अगर देखें, सुबोध उनियाल टिहरी जिले से मंत्री है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली जिले से आते हैं। हालांकि महेंद्र भट्ट राज्यसभा में चले गए हैं, लेकिन वो भी एक ताकतवर पद ही है। इस तरह से कई जिलों के पास तो कई कई पावरफुल लोग हैं और दूसरी ओर कई जिलों के पास एक भी पावरफुल आदमी नहीं है, कैबिनेट में कोई पद नहीं है, उस तरह का कोई ताकतवर पद नहीं है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिलों में संतुलन नहीं है पावर का, जिसको बैलेंस करने की बात बार बार उठती रहती है, यानी संतुलन को साधने की कवायद इस बार की जा सकती है। और अगर इस बार संतुलन को साधने की कोशिश की जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर किया ही जाएगा, उनकी छुट्टी हो ही सकती है। पौड़ी और देहरादून के पास 2-2, 3-3 शक्तिशाली लोग हैं, यहाँ से कटौती कर अन्य जिलों को कुछ मिल सकता है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भी कुछ छुट्टी हो सकती है कुछ लोगों की। अब सवाल यह आता है, किन लोगों की छुट्टी की जा सकती है? आपको याद होगा, कुछ माह पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात चली थी तो उस वक्त खबरें आई थी 2 लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। उस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण में उलझे हुए थे, इसीलिए कयास लगाए जाने लगे थे कि उन पर गाज गिर सकती है। दूसरा नाम रेखा आर्य का लिया गया था, रेखा आर्य भी उस समय कई सारे मसलों में उलझी हुई दिखती थी, लेकिन अब समीकरण बदले हुए हैं। पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में अगर कोई रहा है तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे हैं। उद्यान विभाग घोटाले में उनके विभाग पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मामले की जाँच CBI के पास चली गई है, 3-3 केस दर्ज किए हैं CBI ने, 18 लोगों पर केस दर्ज किए हैं और इनमें कई विभाग के बड़े अफसर हैं इन 18 लोगों में। जिस तरह का यह घोटाला है, जिस तरह के फैक्ट अभी तक सामने आए हैं,
सरकार की जांच में खूब अनियमितताएं मिली है, मामला सीबीआई को चला गया है, ऐसे में मामले में मंत्री की कुर्सी जा सकती है और चली भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ऐसे मामलों में तो पार्टी इस्तीफा मांग लेती है और अभी तो सीबीआई जांच चल रही है, आगे पता नहीं क्या क्या खुलेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कईयों का कहना है गणेश जोशी चिंता में आ सकते हैं। इसी तरह से लंबे समय से धन सिंह रावत के कई विभागों पर कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता है। पिछले कई साल से सहकारिता विभाग बड़ा चर्चा में है, सहकारिता बैंकों और सहकारी समितियों के घोटाले बड़े चर्चा में है। सहकारिता बैंकों में हुआ भर्ती घोटाला तो बार बार चर्चा में आता रहता है। खुद धन सिंह रावत ने जांच बैठाई है, खुद एक्शन लिए गए हैं, कई सारे लोगों पर एक्शन हुए हैं, कई सारी जो भर्तियां है निरस्त हुई है। कांग्रेस इस मामले को बार बार उठाती रहती है, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी बार बार इस मामले को उठाते रहते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को हराया था विधानसभा चुनाव में, इसीलिए वो इस मामले को तूल देते रहते हैं, लेकिन फिर भी मामला तो उठता ही रहता है। कांग्रेस उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बार बार सवालिया निशान लगाती रहती है। अभी धन सिंह रावत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है उत्तराखंड में 100% प्रसव अस्पतालों में होंगे, इस पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में शायद ही कोई सप्ताह ऐसा होता होगा जिस सप्ताह में कोई ऐसा वीडियो ना आता हो या फिर ऐसी खबर ना आती हो जिसमें गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाते हुए लोग दिखते हैं। उत्तराखंड में जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगी संकट में बार बार दिखती ही रहती है। अब जाहिर सी बात है किनारा उन्हीं लोगों से किया जाता है जिनके कारण बार बार असहज स्थिति पैदा होती है। बाकी बीजेपी में क्या होता है यह बात किसी को पता तो चलती नहीं है, जब हो जाता है तभी कुछ सरप्राइज दिखता है। यहाँ पर दिखता कुछ है और होता कुछ और रहता है। हाँ एक बात जरूर है, कहा जाता है धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग सुलग रही होती है। उत्तराखंड बीजेपी में इस वक्त चर्चाएं खूब है, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो सुलग ही रहा है। अब देखते हैं इस बार उत्तराखंड बीजेपी में क्या सरप्राइज सामने आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।